नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज का मेरा वीडियो है फर्स्ट वीडियो का ही सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने शेयर किया था अपना मकर संक्रांति व्लॉग मॉर्निंग टू आफ्टरनून, और इस पार्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन। तो सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो में दिखाना भूल गई थी, ये कुछ सूट्स एंड साड़ीज़ हैं जो अभी आई हैं मेरे घर से, मेरे मायके से। हमारे यहाँ पर यही रिचुअल है, यही कस्टम है, मायके से मकर संक्रांति या किसी भी बड़े फेस्टिवल पर घर से ही, फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं सबके कपड़े घर से आते हैं। तो इनमें से कुछ सूट्स तो मैं जब लास्ट मंथ गई थी देहरादून तब लेकर के आई थी, और कुछ अब मुझे मिले हैं मकर संक्रांति के मौके पर। तो मैं सोच रही हूँ इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ बाद में किसी दिन फ्री होके, तो तब आपको सारे सूट्स दिखाऊँगी मैं कि कौन कौन से कलर्स में हैं, किस तरीके के हैं। कुछ वूलन्स हैं, कुछ साड़ी है, कुछ कॉटन में हैं। तो मैं सोच रही हूँ वही कि डिटेल में आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी इस सारे कलेक्शन के बारे में। तो लंच वगैरह हो गया है सबका घर में, और उसके बाद पूरी किचन की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, और बस उसके बाद सबने पी हर्बल टी, और फिर तभी हमारा कुरियर आ गया है। ये कुछ सब्ज़ियाँ और कुछ फल मैंने मंगाए थे, और बस अब इनको थोड़ी देर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद करूँगी मैं इन्हें मैं सैनिटाइज़। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शाम को हमारे यहाँ बनने वाली है बाजरे की खिचड़ी, तो बस अब उसी की तैयारी हो गई है शुरू। और खिचड़ी कूटने का काम तो जी कुछ ऐसा है कि ये एक ऐसी कसरत है जो घर में लगभग सभी कर लेते हैं, तो ये कैसा अफेयर है, मतलब सभी हाथ आजमा लेते हैं इसमें। तो एक दो बार मैंने ट्राई किया है जो रेडीमेड आती है, जो कुटी हुई खिचड़ी आती है, वो भी बना के देखी थी, बट वो फ्लेवर वो टेस्ट नहीं होता। तो बस हम तो अभी फ़िलहाल तो इसी तरीके से कूट के बनाते हैं। तो अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं तो ये यश है माई सन, तो वो अभी कूटने लग रहा है इसको, खिचड़ी को। तो बस अभी से तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है बाजरे की खिचड़ी का भी। तो कभी मौका मिला तो ज़रूर आप लोगों के साथ डिटेल प्रोसेस मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम लोग बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं। तो फ़िलहाल एक व्लॉग में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा अपना रूटीन भी सारा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और साथ साथ सारी रेसिपीज़ भी शेयर करूं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिलेगा, कभी मौका मिलेगा, तो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। तो बस इसके साथ साथ ही मैंने किचन में स्टार्ट कर दिया किचन काउंटर टॉप को खाली करना, क्योंकि शाम को बहुत सारी कुकिंग होनी है, तो थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, स्पेस चाहिए ओपन। तो बस अब वही मैं बर्तन लगा रही हूँ, और जिस टाइम पर ये सब मैं काम कर रही हूँ, मेरे बैक साइड में महक बना रही है पिज्ज़ा, ब्रेड पिज्ज़ा। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा कि मैं क्या कवर करूँ आपको, तो उसने स्ट्रिक्टली बना कर दिया। तो उसने कहा नहीं मम्मी मैं आज कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैंने कहा ठीक है दैट्स ओके, तो कोई बात नहीं। तो फिर बस उसको मैंने अभी कवर नहीं किया है, तो वो लगी हुई है इस टाइम पर मेरे बैक साइड में ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने। कोई नहीं, मैं फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी, वीडियो या फ़ोटोज़ बाद में आप लोगों के साथ। देखिए घर के कामों में बच्चों को इंक्लूड करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बच्चों को हमारे घर की चीज़ों की और घर के कामों की अहमियत पता चलती है। दूसरा, वो सेल्फ रिलायंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो भी स्किल्स वो सीखते हैं इन सब कामों के दौरान, वो उनके आने वाले जीवन में किसी न किसी तरीके से काम ही आते हैं, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब घर के काम में हम बच्चों की मदद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल तो बनाते ही जा रहे हैं, साथ ही साथ ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। और ये डिश ड्राइंग मैट वाकई में काफ़ी काम की चीज़ निकली, और मैंने तो जब ख़रीदा था आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और दो के सेट में मुझे ये मिला था। तो एक मैं यूज़ करती हूँ सब्ज़ियाँ वगैरह सुखाने के लिए, और दूसरा मैं डिशेस के लिए यूज़ करती हूँ, और सूखता भी बहुत जल्दी है। इस तरीके के फैब्रिक में ये बना हुआ है, बहुत जल्दी सूखता है, थोड़ी देर के लिए बस बालकनी में आप डाल दीजिए, आधे पौने घंटे में ये अच्छे से सूख जाता है, तो काफ़ी काम की चीज़ है। तो बस इधर मेरा ये काम हुआ, उधर महक के पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा भी हो गई हैं तैयार, और इधर से फरमाइश भी आ गई है बच्चों की, अब साथ के साथ उन्हें चाहिए शकरकंदी, तो बस अब वही मैंने रख दी है भुनने के लिए। तो बस इसी तरीके से मैं रखती हूँ, पानी में मैं बॉईल नहीं करती हूँ, ना ही कुकर में मैं इसको विसल लगाती हूँ, बस इस तरीके की किसी भी जो फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई है उसमें मैं रख देती हूँ, और ऊपर से एक अच्छा गीला कपड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है उसे, तो एक गीला कपड़ा इस तरीके से उसके ऊपर मैं बिछा देती हूँ। और ये मैंने
पर्टिकुलरली बस शकरकंदी के लिए ही ये इस कपड़े को रखा हुआ है, तो ये इसी यूज़ में मैं लेकर के आती हूँ। तो थोड़ा सा आपको इस पर ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे होंगे, तो मेनली मैं जो जनरली ये सिर्फ शकरकंदी फूलने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो बस अब इसको ये लगभग आराम से पौना घंटा, आधे से पौना घंटा लग जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं छोड़ देती हूँ, इसी तरीके से ढककर रख देती हूँ। और जब तक ये शकरकंदी भुनी, तब तक जो भी फल सब्जियाँ या स्नैक्स मैंने अभी कुरियर के थ्रू मंगाए थे उनको सबको साफ़ करके रख लिया, सैनिटाइज़ कर लिया। और सैनिटाइज़र के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, मैं वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। घर का बुना हुआ DIY सैनिटाइज़र ही मैं फलों और सब्ज़ियों के लिए यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल बस वही थोड़ा सा, क्योंकि बाद में काम हल्का हो जाता है, तो इस तरीके से जो भी सब्ज़ियाँ मंगाई हैं उनको इस तरीके से मैं साफ़ करके रख लेती हूँ, चाहे मेथी हो, पालक हो, मक्का हो, इस तरीके की सभी सब्ज़ियों को। और सब्ज़ियों को इस तरीके से पहले से ही क्लीन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि फ्रिज में कम स्पेस लेती हैं ये, और बाद की टेंशन तो होती ही है ख़त्म। तो ये देखिए सारी सब्ज़ियाँ हो गई है क्लीन, बस एक मेथी बची है वो मैं करूँगी थोड़ी देर बाद साफ़। और इस दूसरे डिश ड्राइंग मैट की मैं बात कर रही थी, तो ये बस इस दूसरे पर्पज़ इसी पर्पज़ के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो बस अब बन रही है शाम की कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ आज हम ख़त्म करने वाले हैं हैरी पॉटर सीरीज़ के लास्ट मूवी। और बिल्कुल सच है, बच्चों के साथ हम भी अपना बचपन एक बार फिर से जी लेते हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता है मेरे होनहार बच्चे, तुम बहुत बहुत बहादुर हो। आओ चलते हैं। कोई ना कोई काम जरूर हो। मुझे कुछ कहना है। हैरी मर गया तो क्या हुआ? कैसी बात कर रहे हो नेविल? कोई ना कोई हर रोज मरता ही है दोस्त, रिश्तेदार। तो बस कॉफी ब्रेक में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और स्प्राउट्स मैं मॉर्निंग में भी दिखाया था कितने अच्छे से बन चुके हैं, बस अब इनको वॉश करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो अब करनी है डिनर की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने तो पकने के लिए रख दी है बाजरे की खिचड़ी, और उसके साथ ही मैंने बनाई है कढ़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी। तो सब्ज़ियां तो सारी बनकर तैयार थी और डिनर में अभी टाइम था, तो बस अब ये जो बीच का थोड़ा सा टाइम मुझे मिला आधे घंटे के आसपास, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से स्पेंड किया एज़ अ मी टाइम। और मेथी भी साफ़ की, साथ के साथ मैंने अपना जो मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं फेवरेट संभावना सेठ, उनका मैंने देखा ब्लॉग, और उनके जो तीन पेट्स हैं चेरी, कोको और कैंडी, तीनों ही मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। और मेन रीज़न देखने का यही है उनके व्लॉग्स की, जो उनके हस्बैंड और वाइफ की दोनों की जो केमिस्ट्री है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो गया और मेरा काम भी हो गया। तो अब तैयारी थी डिनर की, तो बस उसके बाद ये हमारी थाली हो गई है तैयार, मकर संक्रांति स्पेशल थाली, जिसमें बनाई है बाजरे की खिचड़ी, रायता, कढ़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी और चूरमा लड्डू। और घर में ही मैंने तवे पे नान ट्राई किया और
साथ में है पापड़ और सैलेड। तो एक बार फिर से आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय हो और आप सबकी जो भी विशेज हैं वो आने वाले टाइम में पूरी हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो कोरोना नाम का वायरस है ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो गाइज़, यहीं पे मैं करती हूँ वीडियो को एंड। और आज का दिन हो गया है ख़त्म, डिनर हमारा तैयार है आप लोगों के साथ। आज मैंने शेयर किया है अपना पूरा रूटीन मॉर्निंग टू इवनिंग तक का, इवन नाइट हो गई है, 8:30-9:30 के आसपास का टाइम हो गया है। तो बस अब डिनर बाकी है और आज का दिन बहुत अच्छा गया आप लोगों के साथ। मैं छोटी छोटी चीज़ें अपनी जो भी है, मेरा रूटीन है, घर का काम है, उसके अलावा मकर संक्रांति थी आज, तो उससे रिलेटेड जो भी मेरा आज रूटीन था वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। और फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस तरीके का कुछ अपना रूटीन शेयर करने का। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, स्टिल मैं एक्सपेरिमेंट करती रहूँगी। और फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।